हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रैमको व्लॉग्स। आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा था जिसमें बच्चों ने और बड़ों ने काफ़ी मस्ती की थी। इस बार हम आपको मोती डूंगरी पार्क अलवर का एक विस्तृत विवरण दिखाने वाले हैं, जिसमें आपको इससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी। और इस बार हम चलेंगे यहाँ पर लेडीज़ के साथ। हम इस समय मोती डूंगरी अलवर के पार्क के ऊपर वाले हिस्से में हैं। हम आपको ये पूरा पार्क घुमाएंगे। जब हम इसका ड्रोन व्यू देखते हैं या फिर साइड में से देखते हैं, तो इसका आर्किटेक्ट कुछ इस तरह से बनवाया गया है कि जिसे देखकर ऐसे लगता है जैसे तो ये कोई शिप है। जैसे कि आपने अभी देखा, यहाँ पर तीन लेयर्स है। नीचे वाली लेयर से हम ऊपर आ रहे हैं। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। ये रास्ता आपको थकाने वाला बिल्कुल नहीं है। जैसा कि अभी आपने देखा, फर्स्ट फ्लोर से होते हुए हम ऊपर आए हैं और यहाँ से देखने में नज़ारा कुछ इस तरह का है। देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तो हम किसी बड़े से शिप के ऊपर वाले हिस्से में हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पर हम क्रिकेट फुटबॉल भी खेल सकते हैं, और बच्चों के लिए भी यहाँ पर खेलने के लिए काफ़ी सारा स्पेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग पिकनिक के लिए आते हैं। लेकिन अलवर का मोती डूंगरी पार्क सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक बहुत ही पवित्र मंदिर भी है। काफ़ी सारे लोगों की धार्मिक भावनाएँ इससे जुड़ी हुई हैं। अब हम इस पार्क के सबसे ऊपर वाले हिस्से में आ गए हैं। यहाँ है अलवर का एक बहुत ही पवित्र मंदिर जहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक साथ प्रार्थना करते हैं। संकट मोचन वीर हनुमान मंदिर और सैयद दरबार एक ही परिसर में बने हुए हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक साइड है हनुमान मंदिर और दूसरी साइड है सैयद दरबार। और यहाँ पर डिफरेंट चीज़ ये है कि दोनों ही होली प्लेसेस के बीच में कोई भी पार्टीशन नहीं है, कोई भी दीवार नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हनुमान जी के मंदिर में। संकट मोचन वीर हनुमान मंदिर में एंट्री लेने से पहले हमें अपने राइट साइड में दिखते हैं श्री बटुक भैरव नाथ। सबसे पहले हम श्री बटुक भैरव नाथ जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद मंदिर परिसर में आगे बढ़ा जाता है। मोती डूंगरी के ऊपर यह स्थित मंदिर ओनली थर्सडे को ओपन होता है। यहाँ पर थर्सडे को सुबह भजन और शाम को कव्वाली बजाई जाती है। कपूर घी और लुबान की सुगंध का मिश्रण एक साथ मिलाया जाता है। तिरंगे के साथ केसरिया और हरे रंग के झंडे एक साथ फहराए जाते हैं। आई थिंक दिस प्लेस इज ट्रूली मैजिकल। मंदिर के साथ में ही दूसरी साइड में आप देख सकते हैं सैयद दरबार। तो चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। चलिए तो इस जगह के बारे में यहाँ की अथॉरिटीज से कुछ बात करते हैं।
अरे फोन नहीं उठा रहा मतलब वो पठान बादशाह की मजा है ये राजा के हमारे अलवर के राजा जयसिंह के समय के हम तो क्या राजा है हमसे पहले राजा जयसिंह करते थे फिर उनके बेटे ये बेटे करने लगे उनका विधान हो गया तो आगे चल गए हम लोग सेवक बने हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हम इनके लिए व्यापार करते हैं हम इसलिए बाबा का देवता हम यहाँ से ये जो डेकोरेशन हो रही है ये हर बिस्पत वार को होती है या आज हो रही है हर बिस्पत वार जब नहीं है ये बाबा जी की भगत में पोस्ट बड़े का प्रोग्राम में जिसमें कि पुआ पकौड़ी तो होता है तो उसको पोस्ट बड़ा बोलते हैं पोस्ट के महीने में कराया जाता है तो कोई भगत करवा रहा है पोस्ट बड़े का ही वो चालू होगा और उसी भगत ने एक फूलों की एक गुब्बार को डेकोरेशन कराई है और अभी थोड़ी देर में कव्वाली का प्रोग्राम होगा जैसे बाबा की कव्वाली भजन गाया जाएगा यहाँ पर कुछ भी मुराद मांगते हैं जो पूरी होती है 101% पूरी होती है अगर मान लो जैसे अगर कोई चादर वादर चढ़ाना चाहे तो वो कहाँ से मिलती है वहाँ नीचे नीचे सेंटर ऊपर करोगे ना तो आपको नीचे दुकानें लग जाएंगी नीचे नहीं मिलती है तो मिलती है पीछे आप देखो चादर फूल वगैरह मिल जाते हैं अच्छा अच्छा थैंक यू जैसा कि अभी हमें पता चला ये मंदिर सवाई जयसिंह द्वारा 1882 के आसपास बनवाया गया था और मोती डूंगरी के इस मंदिर के दूसरी साइड ही एक पार्क है जैसा कि आप लोग देख सकते हो किड्स जोन और यहाँ पर साथ में एक बड़ी सी सवाई जयसिंह की मूर्ति भी लगी हुई है अब हम आपको इसी गार्डन इसी पार्क के दूसरी साइड बने हुए एक बहुत ही इनोवेटिव जगह पर ले जाने वाले हैं आप लोग देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने क्या बढ़िया वेस्ट मटेरियल से सजावट की हुई है गमले वगैरह भी बनाए हुए हैं और यहाँ पर भी और वो देखो लगाओ तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और बैम्बू ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन बाय थैंक्स